जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जिले के कनौदी गांव में हाल ही में एक स्कॉर्पियो वाहन की चोरी की गई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसने 24 घंटे के भीतर वाहन चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ के राजकुमार जी थे जो अपनी स्कॉर्पियो घर के सामने लगा के सो रहे थे। सुबह में वो स्कॉर्पियो जो है उनको नहीं दिखाई दी। स्कॉर्पियो चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई कड़ौना ओपी में और FIR दर्ज करके तत्काल ही उस संबंध में अनुसंधान करना उन्होंने शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में ही पता चला कि इस गाड़ी का लोकेशन कहाँ पे है। एक टीम को तुरंत रवाना किया गया SHO के निर्देशन में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज है फोन लाइन पर। पंकज, इस पुलिस को जिस सफलता मिली है इसे किस रूप में पुलिस ले रही है, कैसे मिली है सफलता पुलिस को? किस वाला, चोरी वाला में कि हत्या वाला में? पंकज, आपको घटना की जानकारी दे दे, जहानाबाद की खबर है जहां अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कैसे लगी पुलिस को, कैसे मिली? SP ने खुद इस कांड का मॉनिटरिंग किया जी, और मॉनिटरिंग करते हुए मानो 24 घंटा के अंदर वाहन सहित चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया जी। पुलिस की बहुत बड़ी सफलता ही मानी जा रही है जी। नए SP आने के बाद सक्रिय रूप से घटना में अपने आप को मनो अथी किए और इसको 24 घंटा के अंदर शिवहर से गाड़ी प्लस चोर को बरामद कर ली पुलिस ने जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज। तो आपको बता दें कि जहानाबाद पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही एक बड़े वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कई जो गाड़ियां चोरी की गई थी वो भी जब्त कर लिए गए हैं।